बहुरी न किया विचार, एक सयानी आपनी परबस मुआ संसार। अगला, मरते मरते जग मुआ औरस मुआ न कोए, दास कबीरा यो मुआ बहुरी न मरना होए। मरते सभी हैं एक सयानी अपनी, एक मौत है जो अपनी होती है, बाकी संसार की जितनी मौत है, संसार में इतने लोगों को मरते देखते हैं, उनकी मौत बाहरी है, उनकी मौत मात्र स्थिति जन्य है कि उम्र बढ़ गई तो मर गए, किसी ने गर्दन काट दी तो मर गए। एक ही ऐसा होता है, कोई एक बिरला ही ऐसा होता है जो आप अपनी मृत्यु मरता है। अब बताओ इसका क्या अर्थ है, आप अपनी मृत्यु मरना, एक सयानी अपनी। बाकी तो जिनकी जो मौतें होती हैं वो सब कैसी मौतें, वो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं। कोई बिरला ही होता है जो अपनी मौत आप मरता है। अपनी मौत आप मरने क्या मतलब है, ठीक है। मरोगे तुम भी, मरेंगे हम भी, तुम हालात के चलते मरोगे, हम अपने हाथ मरेंगे, तुम रो रो के मरोगे, हम हंस हंस के मरेंगे, तुम्हें दूसरे मारेंगे, हम अपने बोध से हलाक होंगे। अंतर समझ रहे हो? और जो अपने हाथों खुद मर लेता है वो फिर परबस नहीं रह जाता, वो फिर ऐसा नहीं रह जाता कि मौत उसे मारने आ रही है और वो भाग रहा है। ये बड़ी विवशता रहती है, समझ रहे हो ना? हमारी पूरी जिंदगी विवशता का खेल है कि मौत हमारा पीछा करती है और हम से भागते फिरते हैं, हजार तरीकों से मौत से भागते फिरते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि यही जीवन है, यही प्रोग्रेस है कि कितना भाग लिए मौत से। कबीर कह रहे हैं गेम पलट दो, मौत तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही है और तुम मौत से दूर दूर होना चाहते हो, रुक पलट, अब तुम मौत को दौड़ाओ। बड़ा मजा आएगा। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें मौत दौड़ा रही है, तुम्हें तभी तक दौड़ा रही है, तुम उससे भाग रहे हो, तुम उसको दौड़ाना शुरू करो, वो भागेगी, और जो भाग रहे हो तुम पीछे से छलांग मार के उसको पकड़ लो और एक बार में मर जाओ। मैं कबीरा ऐसा हुआ दूजा जन्म ना होए, अब कोई तुम्हें नहीं दौड़ाएगा, अब मौज है तुम्हारी, बादशाह हो, जहां जाना है जाओ, जहां घूमना है घूमो, ये नहीं कि जहां जा रहे हो वहीं पीछे से मौत खड़ी हुई है। भाई तुम रात में घूमने निकले हो, पीछे 5-7 कुत्ते लग लिए, अब तुम क्या टहलोगे, जहां जा रहे हो वहीं पछिया रहे हैं और भौंक रहे हैं, और ऐसा नहीं कि काट ही लेंगे, ऐसे नहीं कि मरी जाओगे, पर लगे हुए हैं पीछे, उनका खौफ लगातार है। तो उससे अच्छा ये है कि एक बार को मुड़ो और तुम उन्हें दौड़ा लो और दूर तक दौड़ाते जाओ, अब वो लौट के नहीं आएंगे, और एक हाथ को तो पकड़ ही लो पीछे से ले, फिर तो बिल्कुल ही लौट के नहीं आएंगे। अब जहां घूमना है घूमो, जिधर विचरना है विचरो, सब तुम्हारा मैदान है। यही कह रहे हैं कबीर, परबस मत रहो। हमारी विवशता की हालत तो यह है कि हम मरते भी दूसरे की दया से हैं। कितने ही बुढ़वे होते हैं वो जिए जाते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मौत कब आएगी। अबे क्या इंतजार कर रहे हो, टाइम हो गया है तो फ्लाइट तुम खुद पकड़ो,
या इंतजार कर रहे हो कोई आएगा जबरदस्ती तुम्हें ले जाएगा। जब दिख गया कि अब हो गया तो अब इंतजार क्या कर रहे हो? ना तो कुछ बेड़ा बजा रही है, मौत का इंतजार है। इतना इंतजार ना करिए श्रीमान। ऐसी क्या लाचारगी है? जीने के लिए तो हम दूसरों पर आश्रित हैं ही, मरने के लिए भी आश्रित हैं। कबीर कह रहे हैं जिसने अपनी मौत खुद चुन ली वो जीवन का मालिक हो जाता है। हम जीने में बड़े उत्सुक हैं, मरने से डरते हैं। कबीर कह रहे हैं मरने से मत डरो, जीवन मिल जाएगा। हमारी सारी उत्सुकता इसमें है कि मरे ना और जीवन मिल जाए, मरने का खौफ भी ना रहे और राहुल जी कैंप भी कराएं। हो नहीं पाएगा। मरने से डर डर के जीवन कहाँ मिलेगा? मृत्यु और जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक साथ हैं। जिसे जीना हो वो मौत को भी चुने, हमें लगता है कि जिसे जीना हो उसे मौत से बचना पड़ेगा, हमें बहुत गलत लगता है। जिसे जीना हो उसे मौत को चुनना पड़ेगा, बचना नहीं पड़ेगा। एक सयानी अपनी, एक मौत है जो अपनी है। और कबीर ने बड़ा मस्त शब्द चुना है उसके लिए, सयानी। परिपक्व मौत है वो असली मृत्यु है, पूर्ण मृत्यु है। सयानी पकी हुई, मैच्योर, पूर्ण मृत्यु है। और एक मौत होती है जो संयोगवश आ गई, कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, मर गए। हाँ, कि खाना ज्यादा खा लिया, मर गए। कि बाथरूम में फिसल के गिरे, मर गए। मौत में कोई शान हो ये ख्याल क्यों है आपको? आपको लगता है मौत बड़ी बात है? मौत जैसी टुच्ची चीज नहीं होती। 2 घंटे के अंदर आपकी लाश बदबू मारने लगती है और आपके जो प्रियजन होते हैं वही ऐसे गंधाने, जलाओ इसको। आपको क्या लगता है मौत कोई बड़ी बात है? हम में से कई लोग हैं जो मौत को इतनी बड़ी बात समझते हैं कि वो मौत के नाम पे ही जीते हैं। तुम मेरी बात ना सुनोगे तो मर जाऊंगी, जैसे ही बोले मर जाऊंगा। अभी तो इतनी बदबू मारती है, मर के कितनी मारेगी? बड़ा तूने गंधाती हुई धमकी दी है। बोलिए, ये तूने कोई भावुक नहीं, ये तूने बदबूदार धमकी दी है, सड़ी हुई। मरे पड़े हैं ऐसे, उसमें कौन सी शान? तुम किस बात पे इतना सेंटिमेंटल हो रहे हो? अभी तो दुपट्टा ना सरक जाए इसी पे तुम्हारा बड़ा ख्याल रहता है, उसके बाद पजामा उधर जा रहा है और पैंट उधर जा रही है, और तुम्हें पता भी रहेगा क्या हो रहा है तुम्हारा? अभी तो बैठे हो तो तुम्हें बड़ा ख्याल रहता है कि देखो आड़ा तिरछा ना हो जाए, हमारे पिछवाड़े में दर्द होता है। और जब वहां लकड़ियों पर डाल दी जाओगे ऐसे ओंगे पोंगे पड़े हुए हो, और एक लकड़ी नीचे से घुस भी गई है और फिर आग भी लगाई जा रही है उसी में जो, तो ये तो तुम्हारी हालत होनी है मर के। और उसमें कौन सी बड़ी शान बता रहे हो कि मर जाएंगे? मरोगे तो अपनी दुर्गति करोगे सारे, मर जाओ। मर जाएंगे।
ऐसी हमारी मौत होती है। उससे पहले जरा असली मृत्यु का वर्णन कर लो, फिर वो नकली बहुत बड़ी नहीं लगेगी। तुम न मिले तो मर जाएंगे। बड़ा दुख है, ये है वो है, पति मेरी बात समझता ही नहीं, बड़ा परेशान करे है। उस दिन रात को घर पहुंची, बड़ा हंगामा मचाया, ऐसा है वैसा है। अच्छा, घर छोड़ दो। अच्छा, तो छोड़ का नहीं देती वो ना, बड़ा सनकी किस्म का है, मुझे लगता है कहीं कुछ कर कुरा न ले। जो आदमी जितना मूर्ख होगा वो मौत से उतना डरेगा। मरना तो सूरमा का काम है, तुम किस भ्रम में हो कि ये ओंडू पोंडू ये मर सकते हैं, इनके पीछे तो मौत आकर के खड़ी होगी तो भी ये इधर उधर दुबक रहे होंगे, इनकी औकात है ये मर लें। इनका तो जब मरने का टाइम भी होता है तो कहते हैं 2 मिनट्स प्लीज। ये मर लेंगे, कोई कबीर मरता है, ये ओंडू पोंडू नहीं मरते, ये तो 200 साल जीते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बेच के जीते हैं, बेटों की बहुओं की किडनियां लगवा लगवा के जीते हैं। सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट ऐसे ही होते हैं, और क्या लिवर ट्रांसप्लांट का तो अनिवार्य नियम है कि वो कोई घरवाला ही है जो लिवर दे सकता है। ये भी, और बहू भी कम बोल दिया अखबार में, कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ हिंदी के अखबार में था कि बेटी ने पिता को किडनी दान की, तो बेटी की किडनी लगवा के। अब उल्टा तो होगा नहीं कि बाप बेटी को किडनी दे रहा है, क्योंकि बुढ़ा तो बाप है, किडनी तो उसी की फेल होनी है। लिवर में तो ये होता है ना कि लिवर में अगर छोटा टुकड़ा भी लगा दो लिवर का तो भी बच जाता है, और उसमें मैच नहीं करता है लिवर अगर कहीं बाहर वहार से हो, तो फिर तो पक्का है कि तुम्हारे घर परिवार में जिसका भी लिवर फेल हुआ है तो तुम्हें ही पकड़ा जाएगा, इधर लिवर निकाल, किसी और का चलेगा ही नहीं, संभावना ही, और मिलता ही बहुत महंगा है। तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर किसी बाहर वाले से लिवर खरीदा जाए तो बहुत महंगा मिलता है। अब घर में ही ऐसे चार बेटे थे, काहे के लिए पैदा किए थे, एक का लिवर, एक की किडनी, एक की आंत, क्या जो क्या किस जिम बेच रखा है, निकालूंगा। सुनी है ना कहानी आयाती की? नहीं सुनी? बड़ा खिलाड़ी था, उसके 1000 बेटे थे। एक लाख क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, बी गया मल्टीपल होंगे तो बहुत बड़ी था मल्टीपल, 1000 तो बहुत ज्यादा। तो ये डिस्कशन हो रहा है कि आदमी कितने पैदा कर सकते हैं। बुढ़े की मौत आई, यमराज लेने आए, बोलता अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, हजार ही हुए हैं सिर्फ, मुझे अभी और जीना है।
तो रोने लगा, कलपने लगा कि मैं अभी सिर्फ 100 साल का हूँ, मुझे कैसे मार रहे हो, ये तो नाइंसाफ़ी है, 100 साल में कोई दुनिया देखता है, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। तो यमराज ने कहा, यार इतना ही कल इतना कलप रहा है, इसको कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो कहा ठीक है, अपनी जगह किसी और को भेज दे। तो उसने इधर उधर जुगाड़ लगाया, अपने सारे बेटों के पास गया, उनके पांव पड़ा, बोला कोई तो चले जाओ, ठीक है। तो एक चला गया, यमराज ने कहा ठीक है 100 साल तुझे और उम्र दी। 100 साल बाद फिर यमराज आया, ये इसने फिर मचलना शुरू कर दिया, बोले अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं पैदा हुआ, अभी तो मैं कुछ देखा भी ना है, 200 साल क्या होते हैं। तो यमराज ने कहा तू बहुत सही है, पर तेरे पास बच्चे बहुत सारे, ऐसा कर किसी और को भेज दे, तेरी वैकेंसी उससे भर दूंगा। तो फिर कल पा अपने बेटों के सामने आके, कोई तुम मर जाओ मेरी जगह, तुम मर जाओ मेरी जगह, तुम मर जाओ। बेटे भी वही थे रामचंद्र के वंशज, कि बाप जो बोले करेंगे ही। तो एक और चला गया, ऐसे ऐसे करते 10 बीत गए, 1000 साल का हो गया, ठीक है। अब आखिरी बार जो उसका बेटा गया, तो जो सबसे बेचारा छोटा गरीब बेटा था 18 साल का, जिसके अभी दाढ़ी मूछ आई आई रही थी, वो भी चला गया था। ये तक हालत हो गई थी याति की, बेटे भी ऐसे होते जा रहे कई। अरे तुम क्या है यार, अभी कई तो ऐसे थे जो पैदा भी नहीं हुए थे उसके, तुम 18 की बात कर रहे हो, अभी तो वो खिलाड़ी था। तो आखिर में जब यमराज आते हैं उसके पास, कई 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 बार ऐसे करते करते, तब उसको थोड़ी अकल आती है, बोलता है समझ में आ गया है, ये लोटा कभी भर नहीं सकता, इसमें इतने छेद हैं, इसमें कितना भी डालो ये खाली ही रहेगा, बोलता है ले चलो। वासना तो ऐसी ही होती है, अपने को बचाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा दो, जाना कौन चाहता है। कौन जाना चाहता है। अस्पताल कुछ मामलों में बड़ी अच्छी जगह होती है, बहुत सारे तथ्य जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई ही नहीं देते वो अस्पताल में दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जैसा बॉडी आइडेंटिफाइड जीवन जीते हैं, अस्पताल उसको खोल के रख देता है। अस्पताल तो है ही देह के लिए ना, अस्पताल उसको पूरा खोल के रख देता है कि हम क्या हैं कैसे हैं। आम तौर पे ऐसे बैठे हैं तो सूक्ष्म इतनी होती नहीं दृष्टि कि पता चले कि किसका मन कैसा है, पर अभी बुखार आ जाए सबको तो उससे हमारे चरित्र के बारे में 100 बातें उद्घाटित हो जाएंगी। बुखार आते ही कई होंगे जो हैं लंबे हो जाएंगे, कई होंगे जो चिल्ला चिल्ला के बेहोश होकर गिरना शुरू कर देंगे, कुछ होंगे जो भाग के जाएंगे इधर उधर सो जाएंगे, कुछ होंगे जो गाली गलौज शुरू कर देंगे कि तुम्हारे कारण बुखार आ गया। एक ही दो होंगे जो ऐसे बैठे रहेंगे कि ठीक, हमें पता है किसकी क्या कीमत है, हमें पता है बुखार की क्या कीमत है, और हमें पता है कि इसकी क्या कीमत है। देह पे जब बनती है तो उससे देह के तथ्यों का पता चलता है। आ रही बात समझ में? जब देह अपना एहसास कराती है उस समय पता चलता है कि मन कैसा है, और उसमें जरूरी नहीं है कि वो बीमारी में ही अपना एहसास कराए। आप गहरी कामोत्तेजना में हैं, उस समय पर पता चलता है कि आप हैं क्या। और ऐसा नहीं है कि कबीर कभी काम में नहीं उतरे थे, कहानियां हैं ये, कबीर के लड़के भी थे,
क्या कम से कम एक लड़का तो था ही, तो कबीर भी जानते थे कि काम क्या होता है। पर एक कबीर जब वासना में भी लिप्त हो रहा है वो तब भी कबीर ही है।